Hello students, today we will discuss chapter number 13. Chapter number 13 is symmetry. Symmetry kya hoti hai? Symmetry means if the one figure is covered with the another figure ya other figure ya other figure ya matlab second figure is covered with the first figure is called symmetric object. जैसे कि मैंने कहा एक फिगर को हम दूसरे पे रखते हैं या दूसरे फिगर को फर्स्ट फिगर पे रखते हैं और वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर करते हैं तो वो फिगर कहलाते हैं सिमेट्रिकल फिगर. जस्ट लाइक जैसे कि एक फिगर है रेक्टेंगल, दिस इज शेप ऑफ रेक्टेंगल. दिस लाइन इज डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकेंड पार्ट. अगर हम फर्स्ट फिगर को सेकेंड पे रखें या सेकेंड को फर्स्ट पे रखें तो दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. तो ये लाइन कहलाती है सिमेट्री लाइन, सिमेट्री ऑफ लाइन, सिमेट्री ऑफ लाइन या लाइन ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं जिसे हम, लाइन ऑफ एक्सिस. आप इसका अदर नेम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ एक्सिस. सेकंड, ये जो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने पे फिगर अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, दोनों पार्ट अगर सेम साइज सेम शेप के हैं, दोनों का शेप सेम है, तब वो दोनों फिगर्स कैसे कहलाते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल फिगर या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या सिमेट्रिकल फिगर. तो दिस लाइन इज अ सिमेट्रिक लाइन एंड ऑब्जेक्ट, बोथ फिगर्स आर द कॉल्ड द सिमेट्रिकल फिगर. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम फिगर्स को देखेंगे कि कौन से फिगर सिमेट्रिकल फिगर हैं या फिगर सिमेट्रिकल नहीं है. ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज सिमेट्री. अगेन आई रिपीट, सिमेट्री क्या होती है, जब आप दो ऐसे फिगर्स जो बिल्कुल साइज और शेप में सेम होते हैं वो कहलाते हैं सिमेट्रिकल फिगर. फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सा फिगर सिमेट्रिकल है. उनका लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, दोनों पार्ट सेम होते हैं, ठीक है, उनकी साइज भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, तब वो फिगर कौन से कहलाएंगे, सिमेट्रिकल फिगर, और लाइन कहलाती है सिमेट्रिक ऑफ लाइन या लाइन ऑफ एक्सिस. अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट अगर सेम साइज सेम शेप का होता है तब वो लाइन कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ एक्सिस, और जो फिगर्स होते हैं वो कहलाते हैं सिमेट्रिकल फिगर. Let's we start the exercise 13.1. Exercise 13.1. Question is, list any four symmetrical object from your homes and schools. आपको ऐसे four name बताने हैं जो symmetrical object है आपके home या school में. आपको नेम लिखने, फोर नेम जो सिमेट्रिकल फिगर होते हैं. फर्स्ट सिमिलर, जैसे व्हाइट बोर्ड, फर्स्ट इज व्हाइट बोर्ड, सेकंड ऑब्जेक्ट टेबल जिस पर आप लिखते हैं, टेबल टॉप या टेबल, ठीक है. नेक्स्ट हो सकता है आपका जस्ट लाइक डस्टर, डस्टर लाइक मार्कर पेन या पेन, आप जिसको बोल सकते हैं पेन नहीं लेंगे तो अदर ऑब्जेक्ट हैं आपके जैसे कि सीजर, सीजर दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ किसके एग्जांपल्स हैं, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. व्हाइट बोर्ड, जैसे कि व्हाइट बोर्ड है, इसके अगर यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आर द सेम साइज एंड सेम शेप में होगा. ऐसे टेबल रहती है, टेबल का अगर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन कैसी भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या होता है, या सेम होता है, या अपर पार्ट या लोअर पार्ट सेम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन इज फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन. मिरर लाइन का मीन्स होता है कि उसका बोथ पार्ट सेम होना चाहिए. जब भी हमने मिरर में कोई फिगर देखते हैं उनके दो बोथ पार्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं. दिस एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2. मिरर में हमने देखा है कि उनके दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी मिरर लाइन है, इट मींस बोथ पार्ट आर सेम. तो फर्स्ट लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज L1 लाइन,
Next line is this one. It's a L2 line. तो which line is a mirror line? L1 और L2? अब देखिए, L1 फिगर को डिवाइड कर रही है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में, बिकॉज L1 इज ए हॉरिजेंटल लाइन. हॉरिजेंटल लाइन ऑलवेज बी डिवाइडेड फिगर इनटू द टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. तो अपर पार्ट इज ए ट्राइंगल. अपर पार्ट कौन सा शेप आ रहा है? एक ट्राइंगुलर शेप. एंड लोअर पार्ट इज ए रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप. तो ट्राइंगल शेप रेक्टेंगल के सेम ही नहीं होता, तो L1 इज नॉट ए मिरर लाइन. नेक्स्ट लाइन इज L2 लाइन. L2 लाइन में देखिए, लेफ्ट पार्ट आपका शेप आ रहा है इस तरह का, और जो राइट पार्ट है वो आपकी शेप आ रहा है इस तरह. तो दोनों पार्ट्स क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं. तो L2 इज ए मिरर लाइन. L2 इज ए मिरर लाइन, जिसे हम बोल सकते हैं L2 इज ए मिरर लाइन. क्यों? क्योंकि L2 इज ए वर्टिकल लाइन, एंड वर्टिकल लाइन डिवाइडेड इनटू द फिगर इनटू द टू पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. बोथ पार्ट आर सेम पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड. आपको थर्ड फिगर में क्या करना है? आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर द सिमेट्रिक या नॉट. आपको फिगर में बताना है कि वो फिगर सिमेट्रिक है या नहीं. तो फर्स्ट शेप इज ए लॉग शेप. दिस ए लॉग. दिस ए क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट. फाइंड दिस इज ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या नॉट सिमेट्रिक. वी ड्रॉ द वर्टिकल लाइन. दिस लाइन डिवाइडेड इंटू द फिगर इंटू द टू पार्ट. दिस ए लॉग शेप. तो इस लाइन को हमने ड्रॉ किया तो फिगर टू पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट बोथ आर सेम साइज एंड सेम शेप. तो दिस फिगर इज ए सिमेट्रिकल फिगर. हम बोल सकते हैं ये कौन सा फिगर है? सिमेट्रिकल फिगर. नेक्स्ट बी पार्ट. दिस है ग्लास शेप. तो फर्स्ट दिस इज सिमेट्रिकल फिगर या नॉट फिगर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द वर्टिकल लाइन. दिस वर्टिकल लाइन डिवाइडेड फिगर इंटू द टू पार्ट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. फिगर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? टू पार्ट में, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में. और दोनों पार्ट क्या है? सेम साइज के हैं, सेम शेप के. इसलिए इस लाइन को क्या बोल सकते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. और दोनों पार्ट को क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. तो इसमें भी पॉसिबल है ये फिगर क्या है? सिमेट्रिक फिगर. नेक्स्ट सी पार्ट. दिस इज शेप ऑफ. अब इस फिगर को आप लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन. कई बार डायगोनल शेप भी ड्रॉ होता है, जब रेक्टेंगल स्क्वायर शेप के होते हैं उसमें आपके डायगोनल शेप भी होते हैं. इस फिगर में हम चेक करते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन से सिमेट्री बन रही है या वर्टिकल लाइन से. तो हमने सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी. अब देखिए, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. लोअर पार्ट इज ए रेक्टेंगल शेप एंड अपर पार्ट इज ए सेमी सर्कल. आधा सर्किल है इसलिए इसको बोलते हैं सेमी सर्कल. तो बोथ आर नॉट सेम. तो हॉरिजेंटल लाइन इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन से चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन से सिमेट्री पॉसिबल है क्या. हमने एक वर्टिकल लाइन शुरू कर दी. तो लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट आर नॉट सेम. तो इट मीन्स फिगर इज नॉट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट. फिगर सिमेट्रिक फिगर नहीं है, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है. इसमें लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट या अपर पार्ट लोअर पार्ट सेम नहीं हो पा रहा है. हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके देखी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखी. तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा फिगर सिमेट्रिक फिगर है या नहीं है. वो ड्रॉ करते हैं सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करके. अगर वो लाइन, कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन, तो फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. इट मीन्स लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट या टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट. इफ द पार्ट्स आर सेम साइज सेम शेप तो वी कॉल्ड द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एंड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट फोर्थ ए पार्ट.
फोर्थ क्वेश्चन, कॉपी द फॉलोइंग स्क्वायर पेपर. ए स्क्वायर पेपर व्हाट वुड बी हैव यूज्ड इन योर अर्थमेटिक नोटबुक इन द अर्लियर क्लास. द कंप्लीट दैम सच ऑफ द डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री. आपको क्या दे रखा है, ये सिमेट्रिकल फिगर है और आपको हाफ फिगर गिवन है. इसका सिमेट्रिकल फिगर आपको ड्रॉ करना है. एक मीन्स हाफ पार्ट गिवन है, हाफ पार्ट ड्रॉ करेंगे. अगर वर्टिकल लाइन है तो आपको लेफ्ट पार्ट गिवन है, राइट पार्ट गिवन है, लेफ्ट पार्ट ड्रॉ करना है. दिस वन इज ए कंप्लीटेड फिगर. हमने क्या करा था, आपको राइट पार्ट गिवन था, हमने लेफ्ट पार्ट ड्रॉ कर दिया. क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्सिस है या लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसका आपको वन ऑब्जेक्ट गिवन था, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट अगेन बी पार्ट. बी पार्ट फिगर इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. बी पार्ट इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे अपर पार्ट इज गिवन, शो द लोअर पार्ट. दिस अपर पार्ट इज गिवन, वी ड्रॉ द लोअर पार्ट. दिस इज सेम साइज एंड सेम शेप ऑफ फिगर. दिस इज सिमेट्रिकल फिगर. तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आप इसी तरीके से उसकी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे ड्रॉ करके. कई बार लाइन ऑफ एक्सिस ड्रॉ करते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिमेट्रिकल फिगर एंड हाउ टू ड्रॉ सिमेट्री ऑफ लाइन इन द ऑब्जेक्ट. थैंक्स.